हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि डिफरेंशियल आखिर क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है डिफरेंशियल में आखिर ये क्या चीज़ होती है, तो आज हम ग्राफिकली समझते हैं कि आखिर डिफरेंशियल क्या है। वैसे तो डिफरेंशियल का मतलब सिंपल सा ही है कि रेट ऑफ चेंज इससे हम निकालते हैं, लेकिन इसे डीपली समझने के लिए मैं आज एकदम क्लियर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो एरिया है ए, वो होता है एक्स स्क्वायर, मतलब ये एरिया है। तो एरिया हमेशा साइड पर डिपेंड करता है। मान लीजिए साइड अगर हमारी साइड अगर 2 है तो एरिया हमारा 4 होगा, और साइड अगर 3 है तो एरिया हमारा 9 हो जाएगा, और साइड अगर हमारी 5 है तो एरिया जो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स यानी साइड के इंक्रीजमेंट होने से हमारा एरिया भी इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए हमारा ये स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर में क्या है कि एक्स एक्स यहां से यहां तक है और ये साइड भी एक्स है, यानी कि इसकी सभी साइड एक्स हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा फिलहाल, ये हमने ए ले लिया कि इसका एरिया हमारा ए है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि इसकी साइड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए साइड एक्स है, एक्स से थोड़ा चेंज कर देंगे तो ये थोड़ा चेंज और हो गया, इस तरह से दोनों तरफ चेंज होगा। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं डेल्टा एक्स, कि हमने एक्स को थोड़ा और चेंज कर दिया, इसी तरह से इधर भी चेंज हो गया। तो अब जो एरिया बना हमारा, वो एरिया भी चेंज हो गया, तो ये हमारा नया एरिया आ गया, ये पूरा अब नया एरिया है। तो इसमें इंक्रीज कितना होता है, ये वाला जो पोर्शन है फिलहाल, ये वो एरिया है जो कि हमारा इंक्रीज हो चला है, मतलब इतना एरिया हमारा और बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स में जो चेंज किया वो किया डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ए में जो चेंज हुआ एरिया में, वो हमारा डेल्टा ए हो गया, यानी कि ये हमारा नया एरिया है और ये हमारी नई साइड है। ठीक है, तो अवकलन क्या होता है, डिफरेंशियल जो है हमारा, अवकलन ये होता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि ए में जो चेंज किया और उसका रेशियो है जो एक्स में चेंज हुआ, लेकिन कब, जब हमारा डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां देख लीजिए कि चेंज क्या क्या हुआ। तो इसमें एक तो ये चेंज हुआ, यानी कि ये वाला ये चेंज हुआ, ये एक्स है और ये है डेल्टा। ठीक है, दूसरा ये वाला हमारा इंक्रीजमेंट हुआ, ये वाला और हमारा एरिया बढ़ गया, ये कितना है, ये भी इतना ही है कि ये एक्स है और ये डेल्टा एक्स। और तीसरा वाला हमारा ये वाला है जो ये और बढ़ा, यानी कि ये वाला जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हमारा, ये तीनों हमारा, ये तीनों बढ़ चुका है। तो इसका मतलब है अगर हम डेल्टा, सिर्फ डेल्टा एक्स की बात करते हैं कि जितना एरिया बढ़ा, तो डेल्टा एक्स हमारे पास है ये वाला डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस ये वाला डेल्टा एक्स इंटू एक्स और प्लस ये वाला थर्ड वाला जो हमारा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ये हमारा इसके बराबर है। ठीक है, और डेल्टा एक्स तो हमारा डेल्टा एक्स ही है। तो अब हमने क्या किया, जो हमारा अवकलन था वो हमारा है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा ए कितना है, ये दोनों सेम है तो ये हो गया 2, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये हमारा हो गया 2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर और अपॉन में है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना जो एरिया इंक्रीज हुआ और जो हमारा साइड इंक्रीज हुआ, तो उन इन उन दोनों का हमने अनुपात यहाँ पर रेशियो निकाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स हमारा यहाँ बच जाएगा और अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये 2 है,
तो यहां से ये हिस्सा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो है 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारा इन दोनों का रेशियो आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था डिफरेंशियल मतलब कि रेशियो हमें तब निकालना है जब जो ये डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। बहुत छोटी का मतलब है कि हमने बहुत ही छोटा सा उसमें डिफरेंस किया है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं बहुत, जो डेल्टा एक्स है बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटा है, वो जीरो के समीप है पर जीरो नहीं है, मतलब जीरो के बिल्कुल करीब का है, नहीं बहुत 0.00001 इस तरह की बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं, तो ये डी ए कौन डी एक्स आ गया, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि वो समझ में आ जाए, ये तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स कब, जब जो है डेल्टा एक्स जो है वो जीरो के पास वाली बहुत छोटी वैल्यू, जीरो नहीं है जीरो के पास वाली वैल्यू, ठीक। तो डी, तो ये डेल्टा की जगह डी बन जाता है, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स, कब, जब ये डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो यहां से देखिए तो इसकी वैल्यू हमारी आई थी 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो डी ए अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2x, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो इसे लगभग हम नगण्य मान सकते, ये बहुत ही कम है। तो मान लीजिए अगर हम 10 में बहुत छोटी वैल्यू जोड़ते हैं तो वो लगभग 10 ही होती है, जैसे 10 प्लस 0.00000001 इस तरह की वैल्यू, तो लगभग लगभग वो 10 ही रहेगी। तो इसलिए ये हमारा जो ये है एक तरह से हम इसे नगण्य मान के इग्नोर करते हैं, तो ये जो है हमारा डी ए अपॉन डी एक्स आ जाएगा, यानी कि एरिया और साइड में जो हमारे इंक्रीजमेंट हुआ तो उसका रेशियो 2x, तो इसी को हम अवकलन या डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अगली कक्षा में आगे का और समझेंगे कैसे ये चीजें काम करती हैं। धन्यवाद।